વલસાડથી ખબર મળી રહી છે. વલસાડના વાપીમાં વેક્સિન લગાવવા માટે લોકોની ભીડ જામી હતી, જેમાં વાપી નગરપાલિકાની બેદરકારી સામે આવી છે. સવારે 8 વાગ્યાથી વેક્સિન માટે લોકોને બોલાવ્યા હતા, પરંતુ 11 વાગ્યા સુધી નગરપાલિકાનો સ્ટાફ જ ન આવ્યો હતો, જેથી લોકો અટવાયા હતા. વૃદ્ધ મહિલાઓને ભારે હાલાકી થઈ હતી, તો બીજી તરફ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના પણ ધજા ગ્રાવડ્યા હતા. લોકો કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહીને પરેશાન થયા હતા. તો પાલિકાના આ દ્રશ્યો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ये लाइन इतनी यहाँ पर क्यों है मैडम? अभी तक आए नहीं. वैक्सीन के लिए. वैक्सीन के लिए कितने बजे से आप खड़े हैं यहाँ पर? सुबह 8 बजे से आप यहाँ खड़े हैं वैक्सीन के लिए. आप तो सीनियर सिटीजन दिखाई दे रहे हैं. खड़े कुछ हमारे पैर में तो दोनों में नी रिप्लेसमेंट की हुई है, फिर भी हम 8 बजे के खड़े. पहले कहते हैं उस लाइन में जाओ, फिर कहते हैं दूसरा वैक्सीन लेना, यहाँ से खड़े रहो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहे हैं. यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी गई है, कोई रजिस्ट्रेशन. और आप यहाँ पर आप सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं वैक्सीनेशन के लिए, और आपको वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं दी गई है. 8 बजे से लेके अभी कितने बज रहे हैं मैम? 11 बज रहे. 8 बजे से 11 बजे तक आप कंटिन्यूस यहाँ खड़े हैं, और यहाँ पर इतनी भीड़ है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं हो रहा है. जगह ही छोटी है, बैठने के लिए भी सुविधा नहीं दी गई है. ऊपर चढ़ जाते हैं. जी सर, बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सीनियर सिटीजन के लिए चेयर नहीं है. 24 तारीख को बुलाया, ये 10:30 बजे आते हैं और वैक्सीन नहीं है. ये लोग जो नगर पालिका वाले खुद 10:30 बजे आ रहे हैं, आपको 8 बजे से यहाँ बुला, 11 बजे आए हैं, और आपको सुबह 8 बजे से बुला के रखा है. आने के बाद भी वैक्सीन नहीं है. वैक्सीन नहीं है. 24 तारीख लिखा हुआ था, और ये डेट दिया मेरे को 24 तारीख. 24 तारीख दिया और आया नहीं. फोन करके जब आते हैं तो तारीख दे देते हैं. 45 दिन बाद आओ, 50 दिन बाद आओ, क्या तरीका है? बोलिए सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है? सर, आप यहाँ पे सुबह कितने बजे से खड़े हैं वैक्सीन के लिए? वापी नगर पालिका चला के ब्रांच में आप खड़े हैं. और पहले पूछ करके गया था, तो उन्होंने 24 तारीख का डेट दिया कि 24 तारीख पा गई. सेकंड मेरा ये है जी, आपका सेकंड वैक्सीन है. ये सेकंड वैक्सीन है. आप आई थिंक आप 8 से सीनियर सिटीजन लग रहे हैं सर, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से सुविधा दी गई है? कोई सुविधा नहीं है. कोई सुविधा नहीं है. और 8:30 बजे से आप बताइए, मेरा नंबर तो 9वां 10वां है, मैं किससे झगड़ा करूँगा? तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन लगी हुई है, ये तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, न टोकन है, न सुबह आकर के नाम लिखते हैं. किस तरीके से यहाँ पे जो स्टाफ अभी यहाँ पर जो कुछ रजिस्ट्रेशन कर रहे, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं है यहाँ पर. सुबह से बता रही है, हम बता रही है कि वो आएगी. वो आई नहीं है, वो अभी आएंगे. वैक्सीन ही नहीं है इनके पास. कितने आएंगे उसके भी कुछ? सर, आप इस मिसमैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किसको ब्लेम करना चाहेंगे? क्या कहेंगे इसके लिए? पूरा सब सिस्टम ही ब्लेम है. अगर कोई कुछ बात करे तो आगे बात किया जा सकता है. कोई तो रिस्पॉन्सिबल हो जिसको बोल सकते हैं कि हाँ भैया, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं. एक तरफ आर आर रावल साहब हमारे जो कलेक्टर श्री है, वो बता रहे हैं वलसाड में इतने डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, और कह रहे हैं कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो मंजर ही अलग है. एकदम अलग ही है एकदम. मैडम देखिए ना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है. एक मिनट, मैं कैमरा उस तरफ मार रही हूँ सर, ताकि वो दिखा दूँ पब्लिक को कि ये जो कर हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है. ये कोई भी ड्यूटी नहीं है म्युनिसिपैलिटी की. आपके कहने के हिसाब से बोला हुआ है मैडम, किससे बोला हुआ, क्या बोला हुआ? आप वोट नहीं लगा सकते हैं म्युनिसिपैलिटी हो? म्युनिसिपैलिटी का काम क्या? म्युनिसिपैलिटी अगर ये नहीं कर सकती है तो और कौन करेगा? हम यहाँ पे सीनियर सिटीजन आदमी होकर के यहाँ पे 100 आदमी के लिए होते हैं, मैं झगड़ा करूँ क्या? कि मेरा नंबर पहला है, मेरा नंबर ये है, कौन सुनेगा मेरी? आप यहाँ पे किसी आदमी का व्यवस्था तो नहीं करते हैं जो आने वाले पर्सन का नाम लिख टोकन दे? टोकन के हिसाब से अपने आप आएगा? मासी तो मेरे कई केव छे, तमे केवा मांगता था हमने थोड़ी देर पहला. सिटीजन छे छता हमारी कोई व्यवस्था नहीं, बनने पग में हमारे
રિપ્લેસમેન્ટ કરેલું નહીં, રિપ્લેસમેન્ટ કરેલી છે, બંનેમાં કરેલું છે, પણ કોઈ વ્યવસ્થા નથી. 8 વાગ્યાના ઉભા છીએ અમે અહીંયા, અને બાથરૂમની સગવડ અમે ડાયાબિટીસ બધા પેશન્ટ છીએ, કારણ બધા 66 ઉપર છે, ડાયાબિટીસ વાળા છીએ, નથી બાથરૂમ ની કોઈ વ્યવસ્થા અહીંયા પર. ઉંમર વાળા તકલીફ કરાવો, તમારી કહેવાની વાત એકદમ સાચી છે માસી, ડાયાબિટીસ વાળાને બહુ તકલીફ પડે છે, અને આમે ઉંમર વાળાને તકલીફ, ખાલી ડાયાબિટીસ નહીં, જલ્દી આવીને. એક બાથરૂમ નહીં હૈ, ખુલે મેં બાથરૂમ જાના પડતા, કોઈ દેખે તો તોતે કા ચીખા કર રહે હો. જહા પર કહા ગયા કે ખુલે મેં શૌચ અલાઉડ નહીં, વહા મ્યુનિસિપાલિટી કે પાસ બાથરૂમ નહીં, આપકા યે કહેના હૈ. ઓર મ્યુનિસિપાલિટી મે તલા રહી હૈ. સર આપ યહાં પર સુબહ સે કિતને બજે સે ખડે હૈ? હમ એક ઘંટે સે ખડે હૈ. એક ઘંટે સે ખડે. આપકો કોઈ કોલ આયા થા યા એસા આપ યહાં પર ડાયરેક્ટલી આયે હૈ? આપકા નામ રજિસ્ટર્ડ હૈ, ફર્સ્ટ વેક્સિન શોટ હૈ યા સેકન્ડ હૈ? ફર્સ્ટ વેક્સિન હૈ. તો આપને આપકો રજિસ્ટર કિયા હૈ યહાં પર? નહીં, હમકો બતાયા ગયા કે ઇધર વેક્સિનેશન હો રહા હૈ. ઇધર વેક્સિનેશન હો રહા હૈ, બટ યહાં પર તો બતાયા ગયા કે કોઈ આયા હી નહીં હૈ સુબહ સે અભી તક. સુબહ સે 8 બજે સે યહાં પે લોગ ખડે હૈ. સુબહ 8 બજે સે યહાં પે લોગ ખડે હૈ, લાઈન લગાએ ખડે હૈ, લેકિન યહાં પે કોઈ અભી નહીં દેખા. યે મેડમ અભી આઈ હૈ કરીબ આધે ઘંટે પહેલે. મુજબ હમ 2 દિન સે ઘૂમ રહે વેક્સિનેશન કે, યહાં સે લેકર દ્વારા પે ખડા પે બોલ રહે કે લગ રહે વેક્સિનેશન. કંપની સે હાફ ડે કર કર કે ઉદવાડા તક જા રહે હૈ, લેકિન વહાં પે ભી હોતા તો વહાં પે બોલ રહે હૈ કે આપ લોગ જાઈએ અપને એરિયા મે લગવાઈએ, યહાં પે મત લગવાઈએ. મેડમ તમે અહીંયા કામ કરો છો? એટલે તમે અહીંયા કામ કરો છો મ્યુનિસિપાલિટીમાં, ફ્રીલાન્સિંગ પર છો કે કઈ એમાં છો કે તમે વેક્સિન લેવા આવ્યા છો? ખાલી સર આપકો કુછ કહેના હૈ ઇસ બેદરકારી કે, આપને તો કહા હૈ સર, આપ લોગ કુછ કહેના ચાહેંગે ઇસ બેદરકારી કે બારે મેં? સિમ્પલ સી બાત હૈ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ હોના ચાહિએ. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જરૂર હોના ચાહિએ, લેકિન 8 બજે સે જો યહાં લોગ ખડે હૈ ઉનકે બારે મેં આપકો ક્યા હૈ કે યે સીનિયર સિટીઝન ઇતને ઇતને ઘંટે યહાં ખડે રહે સકતે? એક તરફ હમારી ગવર્નમેન્ટ કહેતી હૈ કે સીનિયર સિટીઝન બહાર નહીં આને ચાહિએ, ઓર એક તરફ ગવર્નમેન્ટ ખુદ હી ઉનકો બુલાકર યહાં 3-3, 4-4 ઘંટે વેટિંગ કરા રહી હૈ. ક્યા યે સહી હૈ યા ગલત હૈ? બિલકુલ ગલત હૈ. દેખો ઇસમે ક્યા, સીનિયર સિટીઝન કો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી મેં દેના ચાહિએ ઉનકો, और उसके बाद में क्या एक टोकन का भी करवाना चाहिए, बंदा रखना चाहिए, तो वो टोकन के हिसाब से उनके. यहाँ पे कोई स्टाफ है ही नहीं, नगर पालिका का कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मुझे सिटीजन ही दिख रहे हैं. वेट कर रहा था, लेकिन मैं अपने कंपनी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए आया था, लेकिन कुछ भी नहीं जी, बहुत मतलब व्यवस्था बहुत बेकार है जी. थैंक यू.